छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विकास खंड के रामपुर क्षेत्र में एक ऐसा गांव ठिकराना भी है जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उफनती नदी को पार करने की मजबूरी रहती है। रामपुर के नजदीक ग्राम ठिकराना में यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए या उसे कोई दूसरा आवश्यक काम आ जाए तो उसे जान जोखिम में डालकर नदी के बीच से निकलकर ही जाना पड़ता है और ऐसे में यदि पानी का बहाव ज़्यादा हो तो जान का खतरा भी बना रहता है। ये नज़ारा है छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विकास खंड के गांव ठिकराना का, जहां पर लोग एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए खटिया में डालकर उफनती नदी के बीच से निकालकर रामपुर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए मजबूर हैं और ऐसे में मरीज के साथ साथ उसे ले जाने वालों की जान का खतरा भी हमेशा बना रहता है। इस गांव तक जाने के लिए सड़क तो बन गई है लेकिन अभी तक ना पुल स्वीकृत हुआ है और ना इस दिशा में कोई प्रयास किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्याओं से अवगत कराया गया परंतु किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जब भी बरसात का मौसम आता है तो ग्रामवासियों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। सिर्फ मरीज ही नहीं, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र भी इसी तरह से इस नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों के बार बार मांग करने के बावजूद भी अभी तक इस नदी पर पुल बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामवासी भुगत रहे हैं और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। विंध्या किरण के लिए छिंदवाड़ा से तौफीक मिस्किनी की रिपोर्ट। प्रशासन से इस नदी के लिए कई बार गुहार भी लगाया, कई बार कार्रवाई भी की, अनेक अधिकारियों से संपर्क भी साधा, परंतु स्वीकृति आज दिनांक तक नहीं हुआ है, जिसमें ग्रामवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे डिलीवरी महिलाओं के लिए बरसात में 4 माह के लिए आवागमन बंद रहता है, जिससे स्कूल के बच्चे, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर विशेष रूप से ध्यान दे और ये पुल का निर्माण अति शीघ्र हो। आने जाने में दिक्कत होती है, जैसे बीमार हो जाएं तो जा नहीं पाते हैं अस्पताल, और स्कूल जाने की व्यवस्था भी नहीं पाती है, किराना कुछ लेना हो तो जा नहीं पाते हैं, बहुत चीज का सामना करना पड़ता है। और जैसे कोई आपके घर में बीमार हो गया तो कैसे लाते हैं आप लोग? हाँ, कुछ भी, कुछ खटिया या कुछ पे भी लाना पड़ता है, वहाँ पर बहुत चीज की वो बहुत पानी आ जाता है, बाढ़ की दिक्कत आ जाती है।